वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम एक बार फिर से देखेंगे यूनिट वन एनिमल किंगडम क्लास फोर। तो इसमें हमारा टॉपिक है हाउ एनिमल्स फीड। तो इसके हम पढ़ेंगे, इसके अंदर लर्निंग पॉइंट्स हमारे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट, सेकंड स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड, थर्ड अबाउट टंग एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, देन टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड द फंक्शन ऑफ द टीथ। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जो इन चैप्टर्स के अंदर हम कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। तो हम सबको पता है कि एनिमल्स भी हंगरी होते हैं हमारे ही तरह, जैसे हमें भूख लगती है उस तरीके से एनिमल्स को भी भूख लगती है। और हम सबको फूड की जरूरत क्यों होती है? वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सो हाउएवर दे डिफर इन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, सम एनिमल्स ईट प्लांट, सम ईट फ्लैश, सम ईट बोथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल काउ, गोट, डियर, एलिफेंट, जिराफ एटसेट्रा। सो ये सब क्या है? प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, मतलब ये प्लांट्स की लीफ, प्लांट्स पार्ट्स खा के जिंदा रहते हैं। देन सेकेंड वन इज कार्निवोर्स, दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और वी कैन से मीट ईटिंग एनिमल्स। ये हंट करते हैं, शिकार करते हैं अपने प्रे को, फिर खाते वो उनका फूड होता है। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता एटसेट्रा। तो ये हमारा हो गया कार्निवोर्स। देन ओमनिवोर्स, तो ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी, मतलब मीट एंड प्लांट्स दोनों खाते हैं, ईट करते हैं, वो होते हैं ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल ह्यूमन, हम ओमनिवोर्स हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, सम ऑफ देम ईट फिश, मटन, चिकन, तो हम क्या है? ओमनिवोर्स। देन डॉग, बेयर एटसेट्रा। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। अब ये फूड जब वो खाते हैं, उनके लिए गॉड ने उन्हें, नेचर ने उन्हें डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल फीचर्स, टीथ, ऐसी उनकी बनावट होती है ताकि वो इस तरीके के फूड्स को खा सके। तो किन में क्या फीचर्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। फर्स्ट हर्बीवोर्स, वी ऑल नो दैट दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड हैव अ सेट ऑफ 8 शार्प टीथ इन द फ्रंट लोअर जॉज, व्हाइल द अपर जॉ हैज नो इंसिजर्स। दे कैन प्लग द लीव्स ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ देयर शार्प टीथ। एग्जाम्पल काउ, गोट, कैमल, डियर एटसेट्रा। देन कार्निवोर्स, सो दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दे हैव बिग एंड प्रोमिनेंट कैनाइंस टू टियर द फ्लैश, दे आर बिग इन साइज, सो दे कैन ओवरपावर देयर प्रे इजली, दे कैन रन वेरी फास्ट एंड ऑल्सो हैव शार्प जॉज एंड क्लॉज एंड टीथ फॉर किलिंग प्रे। तो कार्निवोर्स आप सब जानते हैं, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब क्या है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है और इनके आपने टीथ देखे होंगे सामने, एकदम इलोंगेटेड नुकीले से टीथ होते हैं, वो कैनाइंस होते हैं। तो आपने इस तरीके के एनिमल्स का देखा होगा होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि वो इजिली अपने प्रे को
जो इल ये शिकार करते हैं बिग होते हैं और फास्ट रन करते हैं ताकि अपने प्रे को पकड़ सके। तो जब हम प्रे को ईट करेंगे तो उस प्रे को हमें कट करना होगा, है ना। तो वो सब के लिए इनके पास कैनाइंस होते हैं। द नेक्स्ट है ओमनिवोर्स, दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे हैव मिक्स्ड टाइप ऑफ टीथ लाइक अस। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं क्योंकि हम मिक्स्ड टाइप के टीथ हमारे पास होते हैं क्योंकि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों तरह की चीजों को खाते हैं। दे कैन फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, सो देयर एबिलिटी टू सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस आर मोर लाइक डॉग बेयर चिंपैंजी एक्सेट्रा। तो ये कुछ फीचर्स थे अबाउट टीथ, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। नेक्स्ट हम सम एनिमल्स देखेंगे जिनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसे उनको फूड में हेल्प करते हैं। हाउएवर सम एनिमल्स आल्सो हैव अ स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर टू हेल्प देम। फर्स्ट जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक टू रीच टॉलेस्ट ट्रीज। सेकेंड स्क्विरल यूज देयर फ्रंट लेग्स एज अ हैंड टू होल्ड द नट्स एंड क्रैक देम यूजिंग द फ्रंट टीथ। थर्ड एलिफेंट यूज देयर स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स टू पुल आउट लीव्स एंड ब्रांचेस एंड ऑल्सो पुट देम इन देयर माउथ। मंकीज यूज देयर फोर लिम्स एज अ हैंड्स टू होल्ड देयर फूड एंड ईट इट। एंट ईटिंग एनिमल्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग्स व्हिच हेल्प देम टू वाइप अप एंट्स एंड टर्माइट्स, हाउएवर दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू ओपन अप द नेस्ट। तो जैसे जिराफ की लॉन्ग नेक क्यों होती है, ताकि वो टॉल ट्रीज के लीव्स को खा सके। स्क्विरल अपने फ्रंट लेग्स, आपने स्क्विरल्स को देखा होगा, गिलहरियों को देखा होगा, उनके हाथ में नट्स होती हैं, तो उनका जो फ्रंट लेग्स है वो एज अ हैंड होल्ड करने के काम आता है, वो नट्स को होल्ड कर सकते हैं। और उनके जो फ्रंट टीथ है आपने देखे होंगे ना, नुकीले चौड़े से नुकीले से होते हैं ताकि उनसे वो नट क्रैक कर सके। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का आपने देखा होगा ट्रंक्स जो होते हैं, सूंड जिसे बोलते हैं, वो उनको लीव्स तोड़ने में, ब्रांचेस तोड़ने में और उसको फिर माउथ में डालने के काम आता है। देन मंकीज को आपने देखा होगा, उनके सामने के जो फोर लिम्स होते हैं वो एज ए हैंड का काम करते हैं फूड होल्ड करने, उन्हें खाने के लिए। एंड ईटिंग एनिमल जो होते हैं उनके लॉन्ग स्टिकी टंग्स होते हैं ताकि वो इंसेक्ट टर्माइट्स को वाइप कर सके। और उनके पास क्लॉज होते हैं, पंजे, मजबूत पंजे होते हैं जिससे ये टर्माइट्स और एंट्स के जो आप देखा होगा बिल होते हैं उन्हें ओपन करने के लिए। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो बाई नेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है एनिमल्स में होता है ताकि वो अपना फूड ऑब्टेन कर सके। तो अब हम ये सब फूड जो खाते हैं, क्या खाया, उसके टेस्ट कैसा है, किस टाइप का है, ये हमें पता कैसे चलता है। तो ये फूड कैसे खाया गया, ऑब्टेन किया गया, ये हमें पता चल गया। लेकिन इसे डाइजेस्ट कराने के लिए, च्यू करना, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, माउथ में जाना। माउथ में होते हैं हमारे टीथ एंड टंग। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं, स्वीट, सार, साल्टी, बिटर, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। तो क्यों होता है ये इसलिए होता है, द सेम थिंग हैपेंस इन आवर माउथ व्हेन यू आर ईटिंग योर फेवरेट फूड। सो वी हैव डिफरेंट टेस्ट बड्स इन द टंग टू टेस्ट द डिफरेंट टेस्ट। एंड हमारे जो फूड होते हैं उनके अलग अलग टेस्ट इसी टेस्ट बड्स के वजह से आते हैं। और टंग जो है वो हमें स्पीक करने में हेल्प करती है। हमारा माउथ जो होता है, जो हमें हमारे खाना, फूड
जो हमारे स्टमक में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जो फिर डाइजेस्ट होने के बाद जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा माउथ होता है, जिसमें होता है टंग एंड टीथ। तो अभी हम यहाँ टंग के बारे में बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर से मेंशन है, रेड मतलब जब भी हम कोई स्वीट चीज खाते हैं लाइक जैसे ये केक, तो जो हमारा टंग है वो कहाँ फील करता है, वो हमारे जो टेस्ट है हमारा वो स्वीट टेस्ट कहाँ फील होता है, टेस्ट बर्ड कहाँ पे है, स्वीट के टंग के एकदम टिप पे। देन हमारा सॉल्टी फूड, सॉल्टी लाइक यहाँ पे पिज्जा है सॉल्टी, वो जस्ट स्वीट के बाद, ठीक, जिसे ग्रीन कलर से डिनोट किया है। देन सार जैसे कि ये टोमेटो खट्टा, वो होता है यहाँ येलो से डिनोट किया है ना, डिनोट किया है यहाँ पे इस जगह पे। और बिटर लाइक कॉफी, कॉफी कड़वी होती है, उसका टेस्ट हमें एकदम लास्ट में, हमारी टंग के लास्ट में फील होता है। तो जो हमारे माउथ है उसमें जो टंग है उसका रोल होता है, उसका रोल है कि माउथ में जब फूड आता है तो उसमें फूड आने के बाद जब टेस्ट जाता है तो सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं जो सलाइवा निकालते हैं। फिर टंग जो है फूड को रोल करता है और च्यू करने में हेल्प करता है। जो फूड्स होते हैं जब हम चबाते हैं तो फिर उन्हें रोल करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, डिफरेंट टेस्ट हमें फील करवाता है। और उसके साथ ही हम स्पीक भी जो करते हैं, हम बोलते हैं, उसमें भी टंग हमारी हेल्प करता है। वन एंड ऑफ द टंग इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर इज फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो टंग है उसका फ्रंट पार्ट ही मूव करता है और बैक पार्ट जो है एक जगह फिक्स रहता है। फूड को इधर उधर रोल कराने के अलावा उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट हेल्प अस टू स्पीक। डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स होते हैं इसके पास ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टेस्ट कर सके। और जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो किसके थ्रू सेंस किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। मैन हैज अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स व्हाइल अ काउ हैज अबाउट 25,000 एंड व्हेल हैज नन। सो द नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन द टेस्ट नीड ऑफ अ एनिमल। तो अब हमें देखना होगा कि कहां कहां पे टेस्ट होता है, ये हम घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। मीठा खा के देखिए, सॉल्टी खा के देखिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। द टिप ऑफ द टंग पिक्स अप द स्वीट टेस्ट एंड बिहाइंड इट आर द साल्ट बर्ड वेयर द रियर एंड हेल्प अस टू टेस्ट बेटर थिंग्स। द साइड ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू द साल्ट टेस्ट। तो ये हो गया हमारा टंग जिसका फंक्शन हमने पढ़ा। अब टंग का रोल तो हमें समझ में आ गया कि क्या क्या होते हैं। अब टंग के बाद होता है मेन टीथ। तो यहां पे देखिए ये टीथ का स्ट्रक्चर है। जब हम अपने मुंह खोलते हैं तो हमें आउटर में लिप्स, अंदर में टंग एंड टीथ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, यहां पे मेंशन कर रखा है कौन कौन से टीथ होते हैं। हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जिनके रोल्स अलग अलग होते हैं। अब ये है हमारे टीथ का स्ट्रक्चर, ये सिंगल हमारे दांत का स्ट्रक्चर है। तो यहां आप देख सकते हैं ये आउटर कवरिंग जो है यहां पे, उसे हम इनेमल बोलते हैं। उसके अंदर डेंटाइन होता है, फिर गम्स होते हैं, फिर जहां पे
ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है, इन्हें हम पल्प बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, फिर रूट कैनाल होती है, उसके बाद बोन्स होते हैं, और अगर इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो नीचे का जो पोर्शन होता है वो रूट होता है, मिडिल का नेक, और ऊपर जो है वो क्राउन। अ टूथ हैज टू पार्ट, अ रूट दैट स्टे इनसाइड द गम एंड अ क्राउन दैट कैन बी सीन। तो हमें जो बाहर दांत दिखाई देता है वो होता है क्राउन। दीज आर फॉलोइंग फोर मेजर टिश्यू विच फॉर्म्स द टूथ। इनेमल, द इनेमल इज हार्ड एंड शाइनी सरफेस विच कवर्स द क्राउन। देन डेंटाइन, द डेंटाइन इज अ बोन लाइक मटेरियल दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द टूथ। देन इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ डेंटल पल्प दैट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देन द रूट ऑफ द टूथ इज कवर बाय अ कैल्सिफाइड सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंट्रम। तो ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है, और यहां देख सकते हैं टेम्परेरी एंड अबाउट टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ। तो हमें पता है कि टिल द एज ऑफ 10 वी ऑल हैव टेम्परेरी टीथ, और जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं। सो न्यू बॉर्न बेबीज हैव नो टीथ। जब बच्चे बॉर्न होते हैं तब उनके कोई टीथ नहीं होते हैं, उसके बाद उन्हें मिल्क के टीथ आते हैं, और 3 इयर्स के एज तक एंड 10 टीथ इन ईच जॉ आ जाते हैं। इस तरीके से अ टेम्परेरी जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 टीथ आ चुके हुए होते हैं। फिर एट द एज ऑफ 6 ये मिल्क टीथ जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो फॉल होना शुरू होते हैं एक एक करके, जिसे हमारे जो मिल्क के टीथ हैं चले जाते हैं, और परमानेंट टीथ जो एडल्ट्स के होते हैं परमानेंट टीथ वो आ जाते हैं। तो एक न्यू बॉर्न बेबी के टीथ नहीं होते, फिर 6 मंथ का बेबी होता है तो उसे धीरे धीरे टीथ आना शुरू होते हैं, फिर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर पे डिफरेंट डिफरेंट जो टीथ है वो आते जाते हैं, और उसके बाद परमानेंट टीथ, न्यू परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के गिरने के बाद जो 10 इयर्स तक सारे गिर जाते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ जो 20-18 नंबर्स होते हैं, और बाय द एज ऑफ 17-25 हमारे 4 और जो टीथ हैं वो निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ। तो 28+4 टोटल मिला के हमारे पास 32 टीथ हो जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में दिया हुआ है एज कि किस किस एज पे कौन कौन से टूथ आते हैं, और यहाँ पे दिया है बेबी का डेंटल चार्ट। 8-12 मंथ में सेंट्रल इंसाइजर आते हैं, फिर कौन कौन से आते हैं। तो आपने यहाँ नाम सुना, अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। तो फर्स्ट होता है इंसिजर्स, दे आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। दीज टीथ हैव शार्प एजेस एंड आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड इनटू स्मॉलर च्यूएबल पीसेस। ह्यूमंस हैव 8 इंसिजर्स, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। कैनाइंस, they are situated at the corner of the dental arches. They are sharp, elongated and pointed. Their primary function is to grip and tear food. Humans have 4 canines, 2 in upper and 2 in lower. Premolars, they are located behind the canine. These teeth have a flat surface with ridge adapted for crushing and grinding food into smaller portion. Humans have 8 premolars, 4 in the upper एंड 4 इन द लोअर। तो दोनों दोनों साइड पे 2-2 होते हैं अपर में और 2-2 होते हैं नीचे, मींस टोटल 8। देन मोलर्स, दे आर द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ। दे हैव अ लार्ज एंड फ्लैट बाइटिंग सरफेस व्हिच इज वेल एडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो हमारे जो पीछे के दांत होते हैं वो होते हैं मोलर्स। ह्यूमन हैव 12 मोलर्स टीथ, 6 इन द अपर एंड 6 इन द लोअर, जिनमें से 4 जो होते हैं वो मैंने बताया ना विजडम टीथ होते हैं,
जो हमारे 17 टू 25 एज के बीच में निकलना शुरू होते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देन कुछ हम अभी हमने टीथ का स्ट्रक्चर देखा टूथ का, तो वहां पे हमने देखा गम्स। गम्स क्या होते हैं? द टिश्यू ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉज दैट सराउंड द बेस ऑफ द टीथ, जिसे हम हिंदी में मसूड़े कहते हैं। देन इनेमल, इनेमल इज हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस विच कवर्स द क्राउन, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमने देखा टंग, देन टीथ, यहां आप देख लीजिए फिर से, यहां पे गम्स है, ये पैलेट है, यहां ये मोलर, यहां पे प्री मोलर, ये है इंसीजर। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टीथ है और ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने देखा टेम्परेरी और परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी, यहाँ पे जो बेबीज के टीथ होते हैं वो हमारे टेम्परेरी है, और परमानेंट यहाँ पे दिया हुआ है मोलर, प्री मोलर, इंसीजर्स, कैनाइंस कहाँ कहाँ है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब कैविटी क्या होती है? आपने हमेशा सुना होगा ना कि हमारे जब दांतों में, हम डेंटिस्ट के पास जाते क्यों हैं, हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो हमें डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। तो अब ये कैविटी होती क्या है? तो कैविटी, जब हम कोई फूड खाते हैं, ठीक, जब हम कोई फूड खाते हैं और उसके बाद वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं, वो रिमेन्स रह जाते हैं हमारे टूथ के बीच में, तब क्या होता है? तब वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, तब वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। व्हेन टाइनी बिट्स ऑफ फूड स्टक एंड रिमेन इन स्पेस बिटवीन द टीथ, the bacteria grows there, and when food contains sugar the decays faster, bacteria combines with the sugar and produce acids that wear away the enamel of the teeth and forms a cavity। तो जो हम फूड खाते हैं उनमें शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे बैक्टीरिया उसे कंबाइन होते हैं और एसिड बनाते हैं, और वही एसिड धीरे धीरे हमारे टीथ में होल कर देता है, और जिसे हम कीड़ा लगना बोलते हैं। तो हमारे दांत में होल हो जाता है, जिसे हम कैविटी बोलते हैं। इधर आप नेक्स्ट में पिक्चर में देख सकते हैं कैविटी। तो उससे बचने का क्या है? उससे बचने का प्रॉपर ये है कि वी शुड ब्रश अवे द फूड पार्टिकल्स आफ्टर एवरी मील। इन एनी केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। तो हमें अपना माउथ अच्छे से क्लीन रखना चाहिए ताकि हमें कैविटी ना हो, क्योंकि फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें 2 times ब्रश करना चाहिए ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सके। एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कीप अवर गम्स क्लीन एंड हेल्दी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उन्हें रेगुलरली मसाज करते रहना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग रहे। And to have a healthy teeth, it is important to eat a healthy diet. Teeth are made up of calcium and vitamin D. Vitamin C helps to keep the gum healthy. और एक चीज, tooth decay can also lead to the stomach upset or indigestion. तो अगर हम खाना अच्छे से chew करके नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चले जाएंगे, जो हमारे स्टमक को अपसेट करेंगे और हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा आज का हाउ एनिमल्स फीड। तो हमने यहाँ पे सब कुछ, टीथ, टंग, कैसे एनिमल्स फीड होते हैं, सारा चीज देखा। एक बार और रिवाइज करते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एंड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटिंग
are called omnivores. Then animals have different body structure and special features that help them to obtain their food. Tongue is a muscle in the mouth that helps to roll the food, speak and taste. Up to the age of 6 to 7, children have a set of temporary teeth. They are 20 in numbers. Temporary or milk teeth fall, giving place to 32 permanent teeth. Teeth are of 4 kinds: incisors, canine, premolars and molars. It is important to keep our teeth clean and healthy. Thank you.